नीतीश कुमार जी वहाँ परेशान थे, मेरे बड़े भाई हैं, हम बार बार आगाह कर रहे थे कि वहाँ से निकलिए, जान बचाइए, वहाँ से निकल गए हैं, इसके लिए हमने उनको साधुवाद दिया। आपकी तो निजी नाराजगी भी थी नीतीश कुमार जी से, वो दूर हो जाएगी अब? नहीं नहीं, मेरी शिकायत सिर्फ यही थी कि उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया। अब जब हम कह रहे थे उस समय उनको शायद ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब उस स्टेप को पीछे उन्होंने कर लिया है, तो निश्चित रूप से जो हम कह रहे थे वही सही था। बिहार में सियासी उथल पुथल के बीच अब एनडीए की सरकार बन गई है और शाम 5 बजे जो है शपथ ग्रहण समारोह है, जिसमें 9 मंत्री शपथ लेंगे, उसमें एक बिहार के सीएम नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे सीएम की, वहीं पे 2 डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा शपथ लेंगे। वहीं बात करें जो है अन्य मंत्री, जदयू कोटे से 3 मंत्री हैं, श्रवण कुमार हैं, विजय चौधरी हैं, वहीं विजेंद्र यादव हैं। वहीं बीजेपी से बात करें तो प्रेम कुमार हैं, वो मंत्री का शपथ लेंगे, साथ ही साथ निर्दलीय से सुमित सिंह हैं, वो भी आज शपथ लेंगे। वहीं पे हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और पूर्व मंत्री रहे हैं संतोष सुमन, वो भी आज मंत्री पद का शपथ लेंगे। लेकिन देखिए ये काफिला किस तरीका से जो है तमाम लोग अब अंदर जा रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में। इसी बीच जो है उपेंद्र कुशवाहा भी पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि लगातार वो कह रहे थे कि हम जो है अगर वो बीजेपी के साथ आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, तो हम जो है नीतीश कुमार के लिए पैरवी करेंगे। तो क्या वह पैरवी जो है सक्सेस हो गई? क्या सीएम नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा की बात मान लिए हैं? क्या कुछ बातें हुई हैं? क्या कुछ जो है उनके साथ मुलाकात को लेकर के चर्चाएं होगी? और अंदर जो गए हैं, साथ ही साथ उनसे सवाल किया गया, क्या नीतीश कुमार आपकी बात माने हैं और क्या कुछ हुआ है? अब तो वो वापस आ चुके हैं, क्या कहिएगा, जिस तरीका से सवाल उठ रहे थे और आप भी कह रहे थे कि लगातार वो जो है नीतीश कुमार दबाव में है। नहीं नहीं, आए हैं, फिर बात होगी उनसे, वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी समारोह है, समारोह में सब लोगों को शामिल होना है। कैसे देखते हैं फिर से सरकार में जो है एनडीए वापस आया बिहार में, कैसे? देखिए हम तो अभी देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी वहाँ परेशान थे, मेरे बड़े भाई हैं, हम बार बार आगाह कर रहे थे कि वहाँ से निकलिए, जान बचाइए, वहाँ से निकल गए हैं, इसके लिए हमने उनको साधुवाद दिया। आपकी तो निजी नाराजगी भी थी नीतीश कुमार जी से, वो दूर हो जाएगी अब? नहीं नहीं, मेरी शिकायत सिर्फ यही थी कि उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया। जी बिल्कुल। अब जब हम कह रहे थे उस समय उनको शायद ठीक नहीं लग रहा होगा, लेकिन अब उस स्टेप को पीछे उन्होंने कर लिया है, तो निश्चित रूप से जो हम कह रहे थे वही सही था। ठीक है, यह काम नीतीश जी ने गलत किया है, हम बार बार कह रहे थे और जो हम कह रहे थे वो आज सच साबित हुआ है। के साथ आए तो सही किए। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अभी वहाँ से जान बचा लिए, बाकी चीज बाद में, जान बचे उसके बाद ही ना। ठीक ठीक। तो आपने सुना उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना है कि देखिए बिहार के सीएम नीतीश कुमार वहाँ पे दबाव में थे, परेशान थे, और हमारे बड़े भाई वहाँ परेशान थे, तो हमें चिंता तो थी, और हमें चिंता थी तो हम कोशिश कर रहे थे कि बार बार नीतीश कुमार हमारे साथ आ जाए, और हम जो है चाहते थे कि ताकि नीतीश कुमार आ जाएंगे तो उनके लिए बेहतर होगा, और जिस तरीका से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा था वो काफ़ी परेशान थे, और इसी परेशानी के बीच जो हम चाह रहे थे कि वो हमारे साथ आ जाते, यानी एनडीए के साथ आ जाते तो और बेहतर होता, अब आ गए हैं, बहुत खुशी की बात है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ होता है। उपेंद्र कुशवाहा जो काराकाट जा रहे थे, और कहा जा रहा है कि नड्डा उन्हें फ़ोन करके मना लिया और फिर वो जो है शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।